किसी भी इलाके में जब प्रभारी मंत्री का दौरा होता है तो वहां के लोगों को ये उम्मीद रहती है कि शायद मंत्री जी कुछ न कुछ राहत जरूर देंगे, लेकिन अजमेर में एक मंत्री ने संवेदनहीनता की सारी हदें उस वक्त पार कर दी जब मकान ढहने वाले पीड़ित परिवार से मिलने के बाद वो सर्किट हाउस में फोटोग्राफी करने लगी। देखिए मंत्री महोदया के दौरे की ये तस्वीर। सबसे पहले इस तस्वीर को देखिए। अजमेर के लौंगिया इलाके में लोगों से घिरी ये हैं राज्य की पर्यटन मंत्री और जिले की प्रभारी मंत्री बीना काग। मंत्री महोदया उन पीड़ितों के घावों पर मरहम लगाने गई थीं, जिनके परिवार के 3 लोगों की मौत मंगलवार को मकान गिरने से हुई थी। लोगों का आरोप था कि प्रशासन पानी निकालने में नाकामयाब रहा है और यही वजह है कि मकान गिर गया। अब इस दूसरी तस्वीर को देखिए। यह तस्वीर उस वक्त की है जब लोगों का विरोध झेलने के बाद मंत्री महोदया सर्किट हाउस में पहुंची और संवेदनहीनता की तमाम हदों को पार करते हुए आना सागर झील पर फोटोग्राफी करने लगी। इन तस्वीरों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रभारी मंत्री बीना काग पीड़ितों से मिलकर इलाके का जायजा लेने आई थीं या फिर अपना दिल बहलाने। शायद सियासत में माहिर मंत्री महोदया को ये मालूम था कि लोगों का विरोध तो इसी तरह चलता रहता है, जो कुछ भी होता है वो प्रचार प्रसार से। शायद यही वजह है कि बीना काग ने लोगों को भीड़ में कुछ दिलासा तो नहीं दिया। हाँ, कैमरे में सब कुछ ठीक करने का दावा जरूर कर गयी। पूरे जिले के अंदर करीब 2 से 2500 मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं और मकान को रिलीफ देना भी सरकार का कर्तव्य है और वो भी मैंने कलेक्टर साहब से कहा है कि पूरा डेटा इकट्ठा करके जो पूरे खत्म हुए हैं या कुछ टूटे हैं, जितनी राहत जिनको दी जा सकती है उसका भी एक पूरा प्लान बना करके मुझे भेजें और इसको भी मैं, जो मुख्यमंत्री जी ने अलग से सेट असाइड करके पैसा रखा हुआ है, उसमें से मैं अजमेर जिले को दिलवाने की कोशिश करूंगी। हद तो तब हो गई जब बीना काग ने प्रशासन को नसीहत देने के बजाय पीड़ितों को ही तालाब में अतिक्रमण कर घर बनाने का दोषी ठहरा दिया। आपको यकीन नहीं हो रहा होगा लेकिन ये 100% सच है, आप खुद सुन भी लीजिए। कई जगहों के ऊपर पानी अभी भी भरा हुआ है, प्रशासन ने पंप्स लगा रखे हैं और पानी निकालने का काम किया जा रहा है, लेकिन आने वाले समय में मैं लोगों को भी सचेत करना चाहती हूँ, प्रशासन को भी, कि ऐसी जगह जहाँ पे एनक्रोचमेंट्स हो जाते हैं, जैसे आम तालाब के अंदर मकान बन गए, अब अगर उसके अंदर पानी भर रहा है तो फिर इसमें ना तो प्रशासन को दोष देने की बात है, उन लोगों को जो लोग सस्ती दर के अंदर जमीन खरीद करके खुद फिर पीड़ित होते हैं। ये वही महिला है जिसका मकान गिरने के बाद पूरी दुनिया ही उजड़ गई। आसपास के लोगों ने इसे दिलासा दिलाया था कि मंत्री जी उसके दुखों को कुछ कम जरूर करेंगे, लेकिन मंत्री महोदया तो एक औरत होकर भी एक औरत के दुखों को नहीं समझ पाई। वो मिलने आई तो जरूर, लेकिन पीड़िता को समझा बुझाकर फोटोग्राफी में मशगूल हो गईं। राधेश्याम गोयल, सहारा न्यूज ब्यूरो, अजमेर।